हेलो यूजर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा न्यूज अपडेट। कार्डानो रिकॉर्ड करता है मिलियंस मोर ट्रांजैक्शंस सिंस वासिल अनाउंसमेंट। शिबा इनू गेम शिबा इटर्निटी लॉन्च किया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। एप कॉइन पिछले 7 दिनों में 4.3% की ग्रोथ दिखाता है। अब बात करते हैं कार्डानो के बारे में। कार्डानो में ने एक नया माइलस्टोन अचीव किया है। हाल ही में इसके नेटवर्क के करीब 50 मिलियन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया गया है। ये अपने आप में कार्डानो नेटवर्क के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस मूवमेंट में करीब 50 मिलियन ट्रांजेक्शन टोटली एग्जीक्यूट किए गए अकॉर्डिंग टू द कार्डानो scan.io। अब अगर बात करें इन ट्रांजेक्शन की तो ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है कार्डानो के लिए। और अर्ली जून में अनाउंसमेंट जब से वासिल अपग्रेड किया है उसके बाद ट्रांजेक्शन का जो सिलसिला है वो बढ़ता ही जा रहा है कार्डानो फाउंडेशन के लिए, जो हाल ही में 42.5 मिलियन रिपोर्ट किया गया था। ये नंबर्स जो है वो करीब ऑलमोस्ट ग्रोन अप है 8 मिलियन जब वासिल हार्डफोर्क ने ओरिजिनली इसे शेड्यूल किया था लेट जून में, बाद में इसमें पोस्टपोन करके फिर इसकी टेस्टिंग के लिए भेजा गया। इस अनाउंसमेंट के बाद इसके में बहुत बड़ा पंप देखा गया है ट्रांजेक्शन की अचीवमेंट में। एंड अगर वासिल अपडेट की बात करें तो अभी भी फाइनल माइल उसमें अचीव करना रह गया है, और जो क्रूशियल डेट नोट की गई है वो 19 सितंबर है। मेननेट अपडेट जो प्रपोजल दिया गया था वो एक्सपेक्टेड है कि वो हार्ड फोर्क इवेंट सितंबर में कंप्लीट कर लिया जाएगा, जो कि इसमें और ज्यादा नेटवर्क ट्रांजैक्शन में बढ़ोतरी कर सकता है। अभी रिसेंट आईओजी रिपोर्ट की माने तो इको स्टेडम जो सिस्टम है वो 90% अपने मेननेट ब्लॉक को ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है वासिल नोड कैंडिडेट पे, जो इंडिकेट करता है कि जो नोड रेडीनेस मैट्रिक्स है वो ऑलरेडी अचीव किया जा चुका है। अब आगे इसमें क्या क्या चीजें होंगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा। अब बात करते हैं सबसे बड़ी मीम करेंसी शिबा इनू के बारे में। हाल ही में इसका शिबा इटर्निटी गेम वियतनाम में लॉन्च किया गया था और लोगों ने उसे बहुत पसंद किया था। उसके बाद अब इस गेम को ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च किया जा रहा है। शिबा इटर्निटी एक तरह से कार्ड कलेक्टेबल गेम है जो शिबा आर्मी के द्वारा तैयार किया गया है एंड इसे ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च किया गया है। ये जानकारी एक ट्वीट करके दी गई जिसमें कहा गया कि जो भी शिबा आर्मी के रेजिडेंट हैं ऑस्ट्रेलिया में वो इस गेम को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी ये सिर्फ iOS डिवाइस पे अवेलेबल है, लेकिन बहुत जल्दी इसे ऑस्ट्रेलियन एंड्रॉयड यूजर्स के लिए भी अवेल करा दिया जाएगा। इस ट्वीट में लिखा गया, कॉन्ग्रेचुलेशन शिबा आर्मी, शिबा इटर्निटी लॉन्च इन ऑस्ट्रेलिया, अवेलेबल इन द एप्पल ऐप स्टोर इन द टाइम, गूगल प्ले स्टोर इज लॉन्चिंग सून। तो फाइनली इस अनाउंसमेंट के साथ शिबा आर्मी ने अपने गेम को अनदर माइलस्टोन लेके गए हैं और ज्यादा लॉन्च कर रहे हैं, और हो आने वाले दिनों में ये वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से इसका इंटरेस्ट लोगों में है उसी ने अगर देखा जाए वियतनाम में जब इसमें लॉन्च किया गया इस गेम को तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स निकल के आया था। करीब एक हफ्ते में 3000 डाउनलोड्स रिकॉर्ड किया गया था, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद शिबा आर्मी ने नोट डाउन किया कि इसकी जो सर्वर कैपेसिटी है उसे करीब 50x मोर होना चाहिए ताकि इसका गेम को अच्छे से डाउनलोड करके फुल्ली लॉन्च एक अच्छे तरीके से किया जा सके। अगर बात करें इसके अडॉप्शन की तो वो बहुत ही मैसिव लेवल पे देखा गया है। तो ये इंडस्ट्री का बिगेस्ट गेमिंग इवेंट शोकेस करने के बाद एक बहुत बड़ा गेम अपने आप में निकल के साबित हो सकता है। अब बात करते हैं भाई नेक्स्ट न्यूज के बारे में। एप कॉइन, जैसे कि हम देख रहे हैं इस टाइम पे बेयरिश मार्केट चल रहा है, मोस्ट ऑफ द कॉइन डाउन में है। एंड सबसे ज्यादा बुरा हाल अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं NFT कॉइन्स और मेटावर्स के फील्ड में है। फिर भी इधर हमने रिकॉर्ड देखने को मिला है एप कॉइन के बारे में, जिसने अभी स्पाइक लिया है 4.3% का और इस टाइम पे 5.12 लेवल डॉलर के करीब ये ट्रेड कर रहा है। अगर देखा जाए एप कॉइन शो कर रहा है 4.3% की रैली पिछले 7 दिनों में। अगर ये जो पंप आया इसके पीछे कुछ रीजंस ये भी है कि एप फाउंडेशन की तरफ से कुछ रिकमेंडेशन दी गई है, जिसमें कि डिसेंट्रलाइज अनोनिमस स्ट्रक्चर इलेक्शन प्रोसीजर को रिकमेंड किया गया है। ये प्रपोजल ये प्रूव करेगा कि जो रोलिंग इलेक्शन है उसकी जगह इलेक्शन में काउंसिल मेंबर को हर 3 महीने में इंक्लूड किया जाए, उनकी वोटिंग को सुपीरियर माना जाए। एक कॉइन रिसेंटली कई सारे डेवलपमेंट्स कर रहा है जो कहीं ना कहीं इस बम का रीजन हो सकते हैं। एक कॉइन अपने ट्विटर पे पोस्ट करता है कि वो अपने स्टेबल इकोसिस्टम को और ज्यादा मेंबर्स के साथ जोड़ेगा और बहुत सारे नए अपग्रेड्स लेके आएगा कम्युनिटी के लिए,
जो कमिटी मेंबर है वो रिकमेंड करेंगे कि बॉर्डर रिप्रेजेंटेशन इंडिविजुअल्स के लिए और एग्जिस्टिंग एफिलिएशन जो है क्रिप्टो बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसमें किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड किया जा सकता है। एक तरह से मार्केट जो डाउन ट्रेंड देख रहा है उसमें इस एप कॉइन का बढ़ना अपने आप में अलग ही हिस्सा है, क्योंकि इस टाइम पे बिटकॉइन भी कहीं ना कहीं अपने $20,000 के जो सपोर्ट लेवल है उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से एप कॉइन का इस पंप को दिखाना कॉइन के लिए बहुत अच्छी बात है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। डू लाइक द वीडियो। थैंक यू।